पठन पाठन वेस्ट बंगाल बोर्ड गणित क्लास 8। इस वीडियो में हम परीक्षा करके देखें 1.3 पेज नंबर 20 का सवाल नंबर 9 बनाएंगे। सवाल है, एक सम चतुर्भुज आर ओ ए डी बनाओ जिसमें आर ए बराबर 8 सेंटीमीटर और ओ डी बराबर 6 सेंटीमीटर। हम जानते हैं सम चतुर्भुज में सभी भुजाएं बराबर होती हैं, लेकिन हमें यहाँ दो भुजा दिया हुआ है, क्या आर ए और ओ डी अलग अलग हैं। लेकिन हम अगर सम चतुर्भुज बनाते हैं, उसका नाम लिखते हैं आर आर ओ ए डी, तो क्या हो जा रहा है हमारा आर ओ ए डी, तो आर ए ऐसे भुज विकर्ण हो जा रहा है, डी ओ भी विकर्ण हो जा रहा है, मतलब यहाँ पर क्या हुआ आर ए और ओ डी जो विकर्ण की लंबाई दिया हुआ है। हमें विकर्ण की लंबाई के बाद किसके पता लगाना पड़ेगा, डी ए का पता लगाना पड़ेगा, या हम दूसरे हिसाब से निकालेंगे, क्या हम जानते हैं कि सम चतुर्भुज का जो विकर्ण होता है एक दूसरे पे लंब होता है। हम सबसे पहले क्या करेंगे, दो लंब बनाएंगे, दो विकर्ण का लंबाई बनाएंगे और उसके बाद सभी बिंदुओं को मिला देंगे, तो हमारा आर ओ ए डी सम चतुर्भुज बन जाएगा। चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले इसे साफ कर देते हैं। साफ करने के बाद स्केल पेंसिल और ए कंपास ले लेंगे। पहले एक लंबा लाइन टानेंगे, पहले हम 8 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर का एक रेखा बना देते हैं, तो यहाँ पे 6 सेंटीमीटर और एक बना देते हैं 8 सेंटीमीटर, इसका नाम लिख देते हैं आर ए, ये 8 सेंटीमीटर का लाइन है, इसका नाम लिख देते हैं ओ डी, ये 6 सेंटीमीटर ये 8 सेंटीमीटर रेखा का जो रखता है कुछ। अब क्या करेंगे, इस रेखा पे हम एक लंब बनाएंगे। सबसे पहले इसको 8 सेंटीमीटर कंपास, हाँ कंपास लेते हैं और इस 8 सेंटीमीटर की लंबाई को मापते हैं। ये रेखा 8 सेंटीमीटर से लंबी होना चाहिए, हम यहाँ पर ऐसे इसको माप दिए, ठीक है, इसका नाम लिख दिए आर ए। अब इस पर हम लंब खींचेंगे, इसको समद्विभाजित करता हुआ लंब, कंपास लिए और इसको ऊपर काटे, फिर नीचे काटे, फिर यहाँ बैठाएंगे, इधर काटे और इसको काटे, तो क्या करेंगे हम, ऐसे लंब बना देंगे, तो आर ए हो गया। आर ए पे लंब क्या हो गया, ए लाइन आर ए पे लंब है। अब ओ डी का लंबाई, अगर इसको ओ डी बनाते हैं, ओ डी मानो ओ डी है, इसका लंबाई कितना दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, मतलब आधे ए जो लंब है, लंब होने के साथ साथ इसको दो भागों में बांटता है, जैसे आर ए 8 सेंटीमीटर का था तो ये कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर और ये 4 सेंटीमीटर, उसी तरह ओ डी को आर ए क्या करेगा 3 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर में काट देगा। तो हम क्या करेंगे, एक 3 सेंटीमीटर लंबा एक लाइन लेंगे, उसको कंपास में नापेंगे, माप लेने के बाद इस बिंदु पे बैठाकर इधर ऐसे काट देंगे और इस कटान बिंदु का नाम लिख देंगे ओ डी, हो गया। ओ डी आर ए पे लंब है, उसके बाद दोनों एक दूसरे को समद्विभाजित करता है, बन गया। अब इसे हम इस बिंदु को ओ को ए के साथ मिला देंगे, ए को डी के साथ मिला देंगे, बी को आर के साथ मिला देंगे और आर को ओ के साथ मिला देंगे। आर ए आर ओ ए डी हमारा सम चतुर्भुज बन गया, यहाँ लिख देंगे आर ओ ए डी एक सम चतुर्भुज है
जिसमें जो विकर्ण है आर ए कितना सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर और विकर्ण ओ डी 6 सेंटीमीटर। तो हमारा 9 नंबर सवाल बन गया।